हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, बाजार पे तो सही हुआ है ना पापा। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैंने सोचा कि नॉर्मल सा कोई व्लॉग नहीं बनाऊंगी, तो आज मैं ना स्पेशल सा एक व्लॉग बनाने वाली हूँ, वो भी मम को प्रेफर करके। तो कल हम लोग ना मतलब मॉल में गए थे, आते टाइम हम लोग मोमो लेके आए थे, तो मम एक ट्राई किया है, उसको अच्छा लगा है, तो आज वो पूरा दिन मोमो कर रही है, मतलब उसको मोमोज खाना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मोमो ट्राई किया जाए। तो इससे पहले ना मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया था, तो आज फर्स्ट टाइम है, तो मम के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तो इसलिए ना मैंने यहाँ पे मतलब सब कुछ रेडी करके रखा है, तो मैं बनाने वाली हूँ भेज वाला मोमो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सब कुछ रेडी करके रखा है। तो फिलहाल और थोड़ा बहुत काम है तो उसको भी करना है, तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को मैंने क्या क्या रेडी करके रखा है। यहाँ पे है मैदा, जिसमें मैंने ऑयल और नमक दे के अच्छे से भून के डो बना के रख दिया है, और यहाँ पे है ऑनियन और पत्ता गोभी, तो जिसको मैं ना अच्छे से बारीक बारीक से मतलब चॉप कर लूँगी, और चॉप करने के लिए मैंने इस्तेमाल करूँगी इसको, इससे ना बहुत ही अच्छे से चॉप हो जाता है कुछ भी चीज़, तो चॉप करने के लिए मैंने इसको यूज़ किया है। और यहाँ पे मैदा रेडी है और सिर्फ इसको चॉप करना है, तो चलिए मैं इसको कर लेती हूँ। सेम ऐसे करके ना और भी पत्ता गोभी और ऑनियन को अच्छे से चॉप कर लेना है, तो पहले मैं इसको चॉप कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑनियन को भी चॉप कर लिया है, यहाँ पे मेरी ऑनियन और पत्ता गोभी मैंने चॉप कर लिया है, और वहाँ पे मैंने दो हरी मिर्च ले लिया है, क्योंकि हम दोनों ही ना तीखा कम खाते हैं, तो इसलिए दो ही लिया है, और मम के लिए ना बिना मिर्चा के दो तीन बनाऊँगी। अभी करना क्या है, अभी ना ये पत्ता गोभी और ऑनियन को थोड़ा सा सॉटे कर लेना है, क्योंकि ताकि इसका जो कच्चा वाला स्मेल है वो चला जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है, तो ये कढ़ाई जो कि मैंने चढ़ा दिया है, और फिलहाल इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर इसको सॉटे कर लेना है, जस्ट हल्का सा ही सॉटे करना है। तो कढ़ाई मेरी जब तक गर्म हो रही है तब तक मम्मा हाय बोल दूंगा इसको, बोल दो मोमोज हाय गाइस हाय मम्मा, बोलो आज मैं मोमोज खाऊंगी, बोलो बीबी। चम्मच जैसे ऑयल देना है, ज्यादा नहीं देना है, सिर्फ एक चम्मच देने से हो जाएगा। और फिर उसमें पत्ता गोभी और ऑनियन जो है उसको दे देना है। और अभी इसमें ना लहसुन की दो कलियां आप दे सकती हो, छोटे छोटे पीस करके मतलब चॉप करके। तो आप लोगों को ना एक बात ध्यान में रखना होगा, जब आप ये सॉटे करोगे ना तब इसमें नमक ऐड मत कीजिएगा, नमक ऐड करने से क्या होगा इस ये ना पानी छोड़ देगा, तो इसलिए इसको अच्छे से सॉटे करके दूसरे बर्तन में निकाल के फिर ठंडा होने के बाद इसमें आप स्वाद अनुसार नमक ऐड कर सकते हो। तो मेरा ये सॉटे हो गया, मैं इसको अभी निकाल लूँगी। तो ये ना बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है, और इसमें अभी नमक मिर्ची और ब्लैक पेपर थोड़ा सा मिक्स करना है, तो मैंने यहाँ पे मिर्ची और ब्लैक पेपर दे दिए, और अभी थोड़ा सा नमक देके इसको अच्छे से मिक्स करूँगी।
सब कुछ रेडी होने के बाद अभी मैं फाइनली मोमो बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ में ले लिया है थोड़ा सा पानी, मतलब उसको सील करने के लिए, और अभी इसको बनाना है। तो आपको ना एक बात ध्यान रखना होगा, ये ना बहुत अच्छे से चारों तरफ से ना पतला करके बेलना होगा। और फिर इसको चारों तरफ से ऐसे बंद करना है, तो दिखने में ये कितना सुंदर लग रहा है। तो ऐसे करके हम सब बना लेंगे। सबको मैंने ऐसे बना लिया है, और यहाँ पे ना पानी गर्म होने के लिए पहले ही बैठा दिया था, तो फिलहाल इसको अभी 10 मिनट के लिए इसमें बॉईल करना है। तो 10 मिनट ये बॉईल होने के बाद फिर से हम लोग इसको देखेंगे। तो बन के रेडी है मेरा मोमो, और अभी मामा और उसका पापा टेस्ट करेगा, तो वो लोग बताएगा कैसा बना है। तो चलिए टेस्ट करो। पापा ये जो बोलो तो करो, तभी बताओ कैसा बना है। बोलो टेस्टी हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, बाजार का जैसे ही हुआ है ना पापा, बाजार का जैसे ही हुआ है ना, सच में ना। हाँ तो फ्रेंड्स को बोल दो थोड़ा सा टेस्टी। पापा कैसा कैसा बनाया बोलो टेस्टी, मम्मा कैसा बनाया है टेस्टी, कौन बनाया है, नाना नाना। तो फिलहाल ये दोनों अभी खा रहे हैं, और फिर मैं भी खाऊंगी, तो मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ कैसा बनाया है। हम दोनों मोमोज खाते खाते इस वीडियो को यहीं पे करूँगी ख़त्म, और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बाय बाय बोल दो, बाय बाय बोल दो गाइस को, बाय।